This is the question of the focal length of a double convex lens for red light is FR. Its focal length for the blue light is okay. कितना होगा? तो देखो, हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये लैम्डा के हिसाब से चेंज होता है, दैट इज नोन एज योर कॉची फॉर्मूला. म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, ए बी आर हेयर कॉन्स्टेंट. तो लैम्डा अगर बढ़ेगा तो म्यू घटेगा. तो म्यू का मीनिंग क्या है? अगर फिजिकल मीनिंग आप म्यू का सोचे, जिसका म्यू ज़्यादा होगा, एक ऐसे ही मान लीजिए जैसे कि ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन मोशन, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उसको चलना उतना मुश्किल होगा. इसे मान लीजिए एग्जैक्टली जो मीडियम में म्यू ज़्यादा होगा उसमें उसका वेलोसिटी और कम होगा. किसका? लाइट का. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर ये एक मीडियम है, इसमें व्हाइट लाइट आके इंसिडेंट हुआ, तो व्हाइट लाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल म्यू किसका ज़्यादा होगा? जिसका लैम्बडा सबसे कम होगा. तो लैम्बडा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्बडा वायलेट. तो म्यू फॉर रेड इज लेसर देन म्यू फॉर वायलेट. तो वायलेट लाइट को चलना ज़्यादा मुश्किल होगा, रेड लाइट थोड़ी आसानी से चल सकता है. तो ऐसे मान सकते हैं, तो रेड लाइट अगर ये रेड होगा तो ये वाला वायलेट के लिए बना होगा. ऐसे याद रख सकते हैं. बाकी फॉर्मूला भी बता दूंगा. 1/f इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2. यही तो म्यू यहाँ से भी देख सकते हैं. अगर म्यू ज़्यादा रहेगा तो छोटा रहेगा. इसके कहने का मतलब है अगर यहाँ पे व्हाइट लाइट आके गिर रहा है, व्हाइट लाइट है, तो रेड लाइट ज़्यादा डिविएट नहीं होगा क्योंकि आसानी से पास करके जा सकता है, उसके लिए म्यू कम है. तो रेड लाइट यहीं पर कहीं पर अगर फोकस हो रहा है तो रेड लाइट के लिए फोकल लेंथ यही कहलाएगा. बट वायलेट लाइट क्या होगा? और जब उसका म्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविएट होगा, उसका म्यू थोड़ा कम होगा. हालांकि डिफरेंस बहुत कम है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो ये आपका वायलेट के लिए बनेगा. ठीक है, वही वायलेट ब्लू उसी हिसाब से कर सकते हैं. तो फोकल लेंथ ऑफ द वायलेट इज लेस देन दैट ऑफ रेड. दिस विल बी द आंसर.